खरीदारी आज भी वापस मोमेंटम दिखाएगी। नेस्ले के अंदर साल के ऊपरी स्तरों पर है, 600% कैश डिलीवरी, अच्छी खरीदारी यहाँ पर भी मिलेगी। नाहर स्पिनिंग को रुपए की कमजोरी का एक अच्छा फायदा मिलेगा। मैग्मा फिनकॉर्प के आज नतीजे हैं, मुनाफा 50% बढ़कर आ सकता है। येस बैंक के लंबे ठहराव के बाद ब्रेकआउट के बाद आज 400 का स्तर पाना आसान होगा। ग्रासिम के अंदर जो खरीदारी है आज फिर से कंटिन्यू हो सकती है, अच्छा बेस है, आज 1070 का टारगेट रखें। कोलगेट के अंदर भी नए ब्रेकआउट नए वॉल्यूम के साथ इसमें एक अच्छा मूव फिर से मिल सकता है, 1165 का टारगेट होगा। इंडियन बैंक के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है, आज ताजा खरीदारी का दिन है। सेल के अंदर भी कवरिंग का बेनिफिट आज फिर से कंटिन्यू हो सकता है टाटा केमिकल को रुपए का, और लास्ट में आई खरीदारी का, दोनों का फायदा मिलेगा। आज का टारगेट 720 का। एलएनटी ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी आ सकती है, आज एलएनटी फाइनेंस पहला ट्रेड होगा जिसमें 187 का टारगेट है, तेजी बना। और एलएनटी क्योंकि बायबैक की घोषणा कर सकती है 23 अगस्त को, उससे पहले खरीदारी हो सकती है। 1275 का टारगेट है एलएनटी पे, 1230 का स्टॉप लॉस। इंफोसिस आज नेगेटिव प्ले करें, बिकवाली करके चल सकते हैं 1395 के लक्ष्य के लिए, क्योंकि सीएफओ ने इस्तीफा दिया है और वो मंजूर हो गया है। डीमार्ट और बाकी की रिटेल कंपनियां जो है आज सबसे मजबूत पॉकेट हो सकता है कि रिटेल कंपनियां ही रहें। डीमार्ट पे टारगेट रखें 1650 का। और आदित्य बिरला फैशन आज 205 से 210 के लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनियों पर जरूर नजर रखिए। एसीसी और सुब्रोस दोनों ही स्टॉक्स तेजी के लिए चुने, पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और फ्यूचर कंज्यूमर एक और स्टॉक होगा जहां पर 48 का लक्ष्य होगा, 4550 का स्टॉप लॉस। और एआईए इंजीनियरिंग और एलजी इक्विपमेंट्स आज ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं और दोनों ही काउंटर्स पर रिपोर्ट पॉजिटिव है, खरीदारी कर सकते हैं एआईए इंजीनियरिंग और एलजी इक्विपमेंट्स में। तो ये 20 शेयरों की सूची पूरी हुई, उम्मीद करते हैं 20 के 20 शेयर आज आपके लिए फिर से फायदे का सौदा ही साबित होंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव, जिसमें अनिल सिंह और दीपाली राणा आपके साथ जुड़ने वाली हैं। आसान भाषा में जानिए मार्केट के अंदर क्या हो रहा है।